गोली भी खा लेंगे, काढ़ा भी पी लेंगे, सारे योगाभ्यास कर लेंगे, लेकिन प्राणायाम जरूर करेंगे। तो एक सेशन प्राणायाम का भी स्वामी जी, किडनी को दुरुस्त करने के लिए। 99% बीमारी प्राणायाम से थी, बस त्रिका 2 से 5 मिनट। इससे तो मोटापा, शुगर, कैंसर, लो इम्यूनिटी सब, ये एंटी एजिंग भी है, ये तो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, सब कुछ है भस्त्रिका। और अनुलोम विलोम गुड़िया यहाँ पर कर रही है रितिमा, ये अनुलोम विलोम 15-20 मिनट से लेकर के एस एल एम एस, ऑटोमन डिजीज, कैंसर जैसे रोगों में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो 15-20 मिनट से 1 घंटे तक किया जा सकता है। 72,10,201 नाड़ियाँ और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो धरती को 2 बार लपेटा दे तो इतना बड़ा है रस्सी की तरह, पूरे शरीर में फैला हुआ है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो 2400 किलोमीटर लंबा है वो पूरा ट्रैक ठीक रहता है अनुलोम विलोम से। और कपाल भाती से सीधी किडनी प्रभावित होती है, देखो किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंतें, पाइस, फिसर, फिस्टूला, इनफर्टिलिटी, उसमें संतति सुधा, नारी कांति, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए यौवनामृत लो, और यो उनको भी संतति सुधा तो दोनों को ही दे देते, मेल फीमेल को और यौवन को, पूरा ठीक। इससे फिर पथरी भी नहीं रहेगी, प्रोटीन लीकेज भी नहीं होगा ग्लूकोकोर आंवले के काढ़े के साथ, हार्ट के ब्लॉकेज भी नहीं रहेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वात अपित कफ त्रिदोष नहीं रहेंगे, मूलाधार से शस्त्रार्थ तक अंत चक्र जगेंगे। और स्वामी जी कपाल भाती, चेहरा ऐसे चमक उठेगा दूर से ही, जैसे कहते हैं वो गांव की भाषा में बोलते पड़का मारता है, हीरे मोतियों की तरह ऐसे दूर से ही चेहरा तेज नजर आएगा। स्वामी जी योग प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब बारी है वायरल दावों की सच्चाई जानने की। बार बार यूरिन आना क्या स्वस्थ किडनी का संकेत है, और दूध दही ज्यादा खाने से क्या किडनी में पथरी हो सकती है, ये पूरी जानकारी आपसे लेंगे। हालांकि दूध दही के बारे में आपने बताया, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि कल के शो में क्या खास रहने वाला है। त्योहार में बिगड़ा खान पान, इनडाइजेशन ने किया परेशान, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, कब्ज का जानिए सही उपचार, योग के साथ आयुर्वेदिक मंत्र, पेट की हर बीमारी होगी छूमंतर। अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं लेकिन हाजमा साथ नहीं देता तो योग का हमारा ये सेशन, ये स्पेशल क्लास बिल्कुल मिस होनी नहीं चाहिए। डाइजेशन को मजबूत बनाएगा ये सेशन और साथ ही स्वाद का भी आप ले पाएंगे आनंद। समय आपको मालूम है 7:56 पर। स्वामी जी अब बारी वायरल दावों की सच्चाई जानने की। तो देखो जिनको वैसे बार बार यूरिन आता है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी कमजोर हो गई है, इसको मूत्र कृच्छ्र रोग बोलते हैं आयुर्वेद में। तो चंद्र प्रभावटी ले लिया करो या विश्व तिंदुक वटी ले लिया करो। बार बार पेशाब आना अच्छी किडनी का लक्षण नहीं है, बल्कि कंट्रोल में, जैसे बार बार दस्त होने से क्या होता है, बार बार दस्त लग रहा है इसका मतलब कोलाइटिस की बीमारी है, आपको आँव बन रहा है, संग्रहणी का रोग है आपको, ऐसे बार बार पेशाब आ रही है तो आपकी किडनी कमजोर है। उसको अच्छा बनाने के लिए चंद्रप्रभा, गोक्षरादि या गोखरू का या ट्राइगन का या रिनोग्रिट का प्रयोग कर लेना। अच्छा अब बार बार पेशाब के लिए तो बता दिया, विस्तुंदुक वटी भी बता दी, ये दूध, ये दही, ये दूध, ये दही, ये छाछ, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कहते हैं इसमें कैल्शियम बहुत होता है। अरे कैल्शियम तो जरूरी है, लोग ऊपर से कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, 50% लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो दूध दही खूब खाइए, कपाल भाती करते रहिए, को दूध दही का कैल्शियम किडनी में डिपॉजिट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ये तो नेचुरल कैल्शियम। हाँ जो कैल्शियम की गोलियां खाते हैं उससे जरूर पथरी होती है, ये बात पक्की है। तो आज वायरल दैवी की सच्चाई भी बता दी जी, और मूली जरूर खाएंगे, ये बड़ी जोरदार है। मैं तो सोच रहा आपने मूली और धनिया की चटनी की बात कही है तो इसी का आज सलाद बना के खा लिया जाए। ठीक स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।